क्लास 12 एक्सरसाइज शुरू होती है आपकी 7.11 पार्ट 12 क्वेश्चन नंबर 1 जीरो से पाई बाय 2 लिमिट कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स देखिए आप जानते हैं हमने इसको ऐसे लिख दिया माना आई बराबर जीरो से पाई बाई टू लिमिट कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स एक हमारा त्रिकोण होता है जीरो से पाई बाई टू अपर लिमिट में से हम इसे माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स डीएक्स आई बराबर जीरो से पाई बाई टू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वेशन नंबर 2 आपने क्या काम करा समीकरण 1+2 एक और 2 को जोड़ दिया आई और आई 2i लिमिट 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट इक्वेशन में था क्या था कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेकंड इक्वेशन में है क्या है साइन स्क्वायर एक्स और इसका डीएक्स जीरो से पाई बाय टू लिमिट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं 1 टू आई इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल आप जानते हैं एक्स लिमिट 0 से पाई बाय टू अपर लिमिट पुट करी आपने पाई बाय टू माइनस लोअर लिमिट 0 कितना हो गया ये पाई बाई 2 और यहां क्या चल रहा था ये 2i इस 2 को इधर ले आइए आप आई बराबर पाई बाई 4 ये ही आपका आंसर है क्लियर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 माना आई बराबर लिमिट है 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 3/2 एक्स अपॉन साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स डीएक्स आई बराबर अभी अभी आपको मैंने त्रिकोण बताया कि अपर लिमिट में से माइनस कर देते हैं वो ही काम करेंगे हम यहां साइन की पावर 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स जीरो से पाई बाई टू लिमिट साइन 90 माइनस थीटा कॉस ये हो जाएगा कॉस की पावर 3/2 एक्स अपॉन साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स डीएक्स इक्वेशन नंबर 2 आपने क्या काम करा समीकरण 1+2 एक और 2 को जोड़ा i और i 2i 0 से पाई बाई 2 लिमिट यहां क्या था साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स अपॉन
साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x dx। देखिए आप लोग ये वैल्यू सेम है तो ये आपने काट दिया, क्या हो गया यहां पर 1 का इंटीग्रल होता है x लिमिट 0 से पाई बाई 2। आगे देखिए आप 2y बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0। 2y बराबर माइनस करोगे आप तो ये क्या आ जाएगा पाई बाई 2, इस 2 को इधर ले आइए आप, i बराबर पाई बाई 4 आंसर। क्लियर, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल माइनस 5 से 5 मोड के अंदर x प्लस 2 और यहां है dx। इस तरीके के सवालों को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने पुट कर दिया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस 2। अब ये लिमिट आपकी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, एक माइनस 5 से माइनस 2 और एक होगा माइनस 2 से 5। क्या बताया हमने, माइनस 5 से माइनस 2 और एक पार्ट होगा आपका माइनस 2 से 5। फंक्शन क्या था आपका, x प्लस 2 dx, और ऐसे यहां क्या था फंक्शन, x प्लस 2 dx, ये माइनस में होगा और ये प्लस में, माइनस बाहर रहा आपका, x का इंटीग्रल हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 का इंटीग्रल हो गया 2x, लिमिट हो गई आपकी माइनस 5 से माइनस 2, प्लस ऐसे यहां किया आपने x का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 कांस्टेंट 1 का इंटीग्रल x लिमिट माइनस 2 से माइनस 5। देखिए अब आपने अपर लिमिट पुट करी यहां पे माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, तो ये क्या हो गया 4/2 माइनस अपर लिमिट 2 दुनी 4, माइनस लोअर लिमिट पुट करी आपने 5 के स्क्वायर 25/2 माइनस माइनस प्लस 5 दुनी 10। आगे देखिए अब आप प्लस यहां पे अपर लिमिट पुट करी आपने 5, तो 5 के स्क्वायर 25/2 प्लस 5 दुनी 10 माइनस लोअर लिमिट पुट करी यहां 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 दुनी 4, 2 से आपने इसे काट दिया, ऐसे यहां 2 से इसे काट दिया माइनस, देखो ये वाला 10 और ये वाला 2 12, 12 में से 4 घटा दिया आपने 8 माइनस 25/2 प्लस ये 10 और ये 4 14, 14 में से 2 घटा दिया आपने 12 प्लस 25/2। अब इसको सॉल्व करते हैं आप, तो माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस 25/2 प्लस के 12 प्लस के 25/2। आगे देखो 12 में से ये वाला 8 घटा दिया आपने 4, ये वाला 25/2 और ये वाला 25/2, इन्हें जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 25, 25 में ये वाला 4 ऐड कर दो, 25 और 4 19, ये आपका आंसर है। क्लियर, समझ में आया, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, माना 0 से 1 लिमिट x 1 माइनस x की पावर
एन डी एक्स। ये है जी आपका क्वेश्चन। देखिए हमने अपन लिमिट का फॉर्मूला यूज किया जीरो से वन, इसमें से इसे माइनस करो तो वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स की जगह पे यूज करेंगे आप वन माइनस एक्स होल पावर एन डी एक्स। जीरो से वन लिमिट वन माइनस एक्स, वन माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर एन डी एक्स। वन से ये वन कैंसिल, जीरो से वन लिमिट वन माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन डी एक्स। जीरो से वन लिमिट एक्स की पावर एन की मल्टीप्लाई तो एक्स की पावर एन डी एक्स माइनस जीरो से वन लिमिट एक्स की पावर एन प्लस वन डी एक्स। एक्स की पावर एन का इंटीग्रल आप जानते हैं एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, लिमिट आपकी जीरो से वन। माइनस ऐसे यहां करेंगे आप तो एक्स की पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू और लिमिट जीरो से वन। आपने अपर लिमिट वन पुट करी यहां, एक्स की जगह पे वन पुट किया अपर लिमिट को, वन की पावर कितना ही हो वन ही आता है तो वन अपॉन एन प्लस वन माइनस जीरो पे तो ये जीरो हो जाए। माइनस ऐसे यहां अपर लिमिट एक्स की जगह वन पुट की, वन की पावर कितना ही हो वन ही आएगा, वन अपॉन एन प्लस टू माइनस जीरो। तो रिजल्ट क्या आया आपके पास, वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू। एलसीएम एन प्लस वन एन प्लस टू, एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन, एन से एन कैंसिल, टू में से वन माइनस किया आपने वन अपॉन एन प्लस वन और क्या आएगा यहां पे एन प्लस टू आंसर। और देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लिमिट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देख जब ये माइनस से प्लस के बीच लिमिट होती है तो हमारा एक त्रिकोण ये कहता है कि ये डबल हो जाता है, तो हम इसे डबल कर देंगे, टू लिमिट हो जाएगी आपकी जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप इसे आई मान लेंगे, माना आई बराबर टू जीरो से पाई बाई टू लिमिट साइन स्क्वायर एक्स और ये लो जी डी एक्स। इक्वेशन नंबर वन, आई बराबर टू जीरो से पाई बाई टू लिमिट साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। टू जीरो से पाई बाई टू लिमिट साइन स्क्वायर माइनस थीटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर आपने क्या काम करा, समीकरण वन प्लस टू, देखो आई और आई टू आई दोनों इक्वेशन में से टू कॉमन था, लिमिट हो गई आपकी जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। टू से ये टू कैंसिल, आई बराबर लिमिट है जीरो से पाई बाई टू
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है वन। वन का इंटीग्रल आप जानते हैं एक्स, लिमिट जीरो से पाई बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रिजल्ट आ गया आपका पाई बाई, यही आपका आंसर है। समझ में आया? और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लिमिट है साइन की पावर 7x dx। हमने इसको एक फंक्शन मान लिया fx इक्वल टू साइन की पावर 7x, f माइनस x साइन की पावर 7 और माइनस एक्स, जैसे लिख लो पूरी की पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन की पावर 7x माइनस, ये आपने माना था एफ एक्स, तो एफ माइनस एक्स जो है वो बराबर माइनस एफ एक्स आ गया, तो अतः यह एक विषम फलन है। और एक हमारा त्रिगुण होता है कि यदि फलन आपका विषम फलन है तो उसका इंटीग्रल जीरो होगा, साइन की पावर 7x dx इज इक्वल टू जीरो, क्यों? क्योंकि यह एक विषम फलन है। ये हो गया सॉल्व, समझ में आया? क्लियर? चलिए इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भेज के पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगी।